नमस्कार दोस्तों, आपके जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जलवायु वर्गीकरण। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे जैसे कोपेन है, थॉर्नवेट है, टिवार्था है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे जो सामान्य वर्गीकरण है जलवायु प्रदेशों का, जैसे सेंट लॉरेंस है, चीनतुल है, उन सबको आपके पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कोपेन ने जो अपना, जैसे कि कोई भी वर्गीकरण किया, चाहे कोपेन ने किया चाहे थॉर्नवेट ने किया, तो उस वर्गीकरण के लिए हम तीन प्रक्रियाएं उपयोग में लेते हैं। कितनी प्रक्रिया उपयोग में लेते हैं? तीन प्रक्रियाएं। एक तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, किसके वर्गीकरण में? जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में, जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण में, ठीक है। अब ये इसमें हम तीन विधियों का उपयोग करते हैं। एक तो होता है आनुभाविक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण होता है? आनुभाविक वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा होता है जननिक वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वह होता है सांख्यिकी वर्गीकरण। क्या होता है? सांख्यिकी वर्गीकरण होता है। इस तरह से तीन प्रकार का वर्गीकरण होता है जलवायु प्रदेशों का। जो वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। एक आनुभाविक होता है, एक जननिक होता है, और एक कौन सा होता है? सांख्यिकी वर्गीकरण होता है, ठीक है। फिर ये आता है कि यार बताइएगा कि आनुभाविक वर्गीकरण क्या है, जननिक वर्गीकरण क्या है, और सांख्यिकी वर्गीकरण क्या है। तो आनुभाविक वर्गीकरण क्या होता है कि अनुभव के आधार पर आधार पर पर्यवेक्षित करके जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। पर्यवेक्षित करके जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो वह आनुभाविक वर्गीकरण कहलाता है। मतलब सब कुछ अनुभव पर निर्भर होता है, तो वह आनुभाविक वर्गीकरण कहलाता है। कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? तो ध्यान में रखें, ऐसे वर्गीकरण को हम आनुभाविक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। कि जब अनुभव के आधार पर, जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हमने हमारे प्रकृति में कुछ भी देखा, पेड़ देखे, पौधे देखे, घास देखी, उसके आधार पर हमने कल्पना कर ली। यदि उनकी पत्तियां झड़ती हैं तो पतझड़ है, यदि वो सदैव हरे भरे रहते हैं तो सदाबहार है। मतलब उस अनुभव के आधार पर हम राजस्थान को ही घूमे, मान लो, ये तो कोपेन की बात है जिसने दुनिया का किया, हमने राजस्थान को घूमा। तो राजस्थान को जब हमने घूमा तो हमने ये पाया कि भैया यहाँ पर ऐसी वनस्पति कटीली है, आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो अधिक वर्षा है, सदाबहार है। आप थोड़ा उससे आगे आओगे, थोड़ी कम वर्षा है, तो सागवान वन है। और आप जब पूर्वी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपके मिश्रित पतझड़ वन है, क्योंकि बहुतायत में वो वृक्ष मिल रहे हैं जिनकी पत्तियाँ एक निश्चित समय के बाद मित्रों क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, ठीक है। ऐसा जो वर्गीकरण होता है वो आपके आनुभाविक वर्गीकरण होता है। कैसा वर्गीकरण होता है बताओ? आनुभाविक वर्गीकरण होता है, क्लियर। दूसरा ये है कि इसके बाद में होता है आपके जननिक वर्गीकरण। जननिक वर्गीकरण क्या होता है जलवायु प्रदेशों का? तो ये भी आप ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करते हैं तो आनुभाविक तो हो ही गया, उसके बाद में आपके कौन सा वर्गीकरण आ गया? जननिक वर्गीकरण आ गया। अब जननिक वर्गीकरण में क्या है कि जो जलवायु प्रदेश होते हैं, ठीक है, इन जलवायु प्रदेशों का जब अध्ययन किया जाता है, प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है,
अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किनका? जलवायु प्रदेशों का। जब आपके क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, तो उसका फिर उसका सारांश निकाला जाता है कि भैया ये है तो भाई इसका ये इसका निचोड़ होता है। तो जब हम उसका सारांश निकालते हैं, उसका हम विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण करके जब वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो वो आपके जननिक वर्गीकरण कहलाता है। कौन सा वर्गीकरण कहलाता है? जननिक। ये आपको ध्यान में रखना है कि जलवायु प्रदेशों का जब अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, के आधार पर, ठीक है, अध्ययन के आधार पर उनकी क्रियाओं का, अध्ययन के आधार पर उनकी क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, उनकी क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिसे जननिक वर्गीकरण कहते हैं, जिसे जननिक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। कौन सा वर्गीकरण कहते हैं? तुम्हें तो ये ध्यान में रखें, उसे हम जननिक वर्गीकरण कहते हैं। तो देखो, एक तो हो गया अनुभव के आधार पर, एक हो गया सारांश और विश्लेषण के आधार पर। भाई कोई भी सारांश है, कोई भी विश्लेषण यदि किया जाता है तो वो आपके कौन सा वर्गीकरण हुआ? जननिक वर्गीकरण हुआ। क्लियर? इसके बाद में आपके जो वर्गीकरण होता है वो होता है सांख्यिकी वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण होता है? सांख्यिकी वर्गीकरण होता है, ठीक है। अब सांख्यिकी वर्गीकरण क्या है कि सांख्यिकी वर्गीकरण में हमेशा ये ध्यान में रखना, सांख्यिकी वर्गीकरण, ठीक है। तो इस सांख्यिकी वर्गीकरण में क्या होता है कि जब जलवायु प्रदेशों का अध्ययन, जब जलवायु प्रदेशों का अध्ययन, प्रदेशों का अध्ययन, अध्ययन उपग्रह तथा आंकड़ों की सहायता से किया जाता है, जो उपलब्ध आंकड़े होते हैं ना, कोष्टक में लिख देता हूं उपलब्ध, ठीक है। कि जब जलवायु प्रदेशों का अध्ययन उपग्रह तथा आंकड़ों की सहायता से किया जाता है, उपग्रह तथा आंकड़ों की सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है, जाता है, तो उसे सांख्यिकी वर्गीकरण कहा जाता है, तो उसे सांख्यिकी, उसे सांख्यिकी वर्गीकरण कहा जाता है। कौन सा वर्गीकरण कहा जाता है? ध्यान में रखें, उसे सांख्यिकी वर्गीकरण कहा जाता है कि जब जलवायु प्रदेशों का अध्ययन, ठीक है, उपग्रह तथा आंकड़ों की सहायता से किया जाता है तो उसे आपके सांख्यिकी वर्गीकरण कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा वर्गीकरण कहते हैं मित्रों? तो ये ध्यान में रखें, उसे हम सांख्यिकी वर्गीकरण कहते हैं। ओके, तो ये हुआ आपके, कौन सा वर्गीकरण हुआ? सांख्यिकी। तो एक तो मैंने बता दिया आपको, कौन सा वर्गीकरण बताओ? सबसे पहले बताया मैंने आनुभाविक वर्गीकरण, उसके बाद मैंने आपको बताया कौन सा? जननिक वर्गीकरण, और उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया? सांख्यिकी वर्गीकरण। एक आपको विशेष बात जिनको लेकर आपको क्वेश्चन आते हैं मित्रों, ये ध्यान में रखना कि ये जो वर्गीकरण है, ठीक है, तो जितने भी वर्गीकरण है, तो कॉपेन और थॉर्नवेट, कॉपेन और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, कॉपेन और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वह आपके आनुभाविक भी है, आनुभाविक, वह जननिक वर्गीकरण पर आधारित है, जननिक वर्गीकरण पर आधारित है, पर आधारित है, ठीक है। कि कॉपेन और थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वह आनुभाविक, वह जन्वी आपके जननिक वर्गीकरण पर क्या है? आधारित है। एक तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है
कि भैया कॉपेन और थॉर्मेट का वर्गीकरण जो आप बताइए किस पर आधारित है, तो अनुभव पर है और जनिक वर्गीकरण, मतलब उन्होंने सारांश भी निकाला और अपने अनुभव से भी इसको क्या किया, बांटा। ठीक है, किसने बांटा बताओ, कॉपेन ने बांटा, कि मतलब ये आनुभाविक भी है और कैसा वर्गीकरण है बताओ, जननिक वर्गीकरण है। जबकि ट्रिवार्था था ना, ट्रिवार्था जिसने संशोधन किया, कॉपेन को भी मिलाया, थॉर्नवेट को भी मिलाया, उसका वर्गीकरण तीनों पे आधारित है, आनुभाविक भी है, जननिक भी है और सांख्यिकी भी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा मित्रों, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारे यहाँ ये वर्गीकरण तो प्रस्तुत कर दिया, बहुत अच्छी बात है कि आनुभाविक कर दिया, जननिक कर दिया और कैसा कर दिया, सांख्यिकी कर दिया। ठीक है, वहीं मैं आपसे ये भी कह रहा था कि ये जो वर्गीकरण है, ठीक है, जो आपके जलवायु प्रदेशों का, इन तीनों वर्गीकरण में, चाहे कॉपेन का है, चाहे थॉर्नवेट का है, चाहे ट्रिवार्था का, तो इनमें सबसे शुद्ध जो है वो ट्रिवार्था का वर्गीकरण माना जाता है। आप कभी सविंदर सिंह को पढ़ोगे तो बिल्कुल लास्ट में मिलेगा कि भैया इन तीनों के वर्गीकरण में सबसे शुद्ध, प्योर, यदि किसी बंदे का वर्गीकरण है, यदि किसी विद्वान का वर्गीकरण है, तो वो किसका है, ट्रिवार्था का। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे, इसको भी मैं नोट करके लिखवा देता हूँ जिससे कि आप भूले ना, कि कॉपेन का वर्गीकरण ठीक है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, वेट का वर्गीकरण और ट्रिवार्था के वर्गीकरण में सबसे शुद्ध वर्गीकरण सबसे शुद्ध वर्गीकरण ट्रिवार्था का माना जाता है, ट्रिवार्था का कॉपेन का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण और ट्रिवार्था का जो वर्गीकरण है ना, इनमें सबसे शुद्ध, ये आप हमेशा ध्यान में रखना, ये सबसे शुद्ध वर्गीकरण ट्रिवार्था का माना जाता है। क्लियर, एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना। दूसरा ये है कि हम बात करते हैं कॉपेन के वर्गीकरण की, किसकी बात करते हैं, तो मित्रों कॉपेन के वर्गीकरण की बात करें तो कॉपेन का जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये एक आपको पता है कि कॉपेन का वर्गीकरण जो है वो आपके सांकेतिक वर्गीकरण था, और वैसे भी आप जानते हैं कि व्लादिमीर कॉपेन जो है ये बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे, ना कि जलवायुविद्ता थे। ठीक है, तो देखो कॉपेन की बात करें तो कॉपेन का पहले तो आप ये जान लो पूरा नाम क्या था, तो कॉपेन का पूरा नाम था व्लादिमीर कॉपेन, ये तो इनका है पूरा नाम। ठीक है, और व्लादिमीर कॉपेन जो है इनके जो रिसर्च कार्य हुए वो सब के सब कहाँ हुए, जर्मनी में। ठीक है, कॉपेन जो है ये एक वनस्पति शास्त्री रहे, कॉपेन कौन रहे बताओ, वनस्पति शास्त्री, बहुत प्रसिद्ध और चर्चित आपके वनस्पति शास्त्री हैं। दूसरा ये भी ध्यान में रखना कि कॉपेन जो है वनस्पति शास्त्री रहे, रहने वाले कहाँ के थे, जर्मनी के, और वहीं आप ये भी ध्यान में रखना मित्रों कि व्लादिमीर जो कॉपेन है वनस्पति शास्त्री तो थे, कौन थे, वनस्पति शास्त्री थे। दूसरा आप ये भी ध्यान में रखना कि व्लादिमीर कॉपेन का ये जो वर्गीकरण है जो इन्होंने प्रस्तुत किया, तो इन्होंने अपने वर्गीकरण में कैंडोल को आधार माना, किसके वर्गीकरण को आधार माना, कैंडोल के वर्गीकरण को आधार माना, और कैंडोल ने अपना वर्गीकरण 1874 ईस्वी में प्रस्तुत किया, बताओ कब प्रस्तुत किया, 1874 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ध्यान में रखना व्लादिमीर कॉपेन जो है कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, वनस्पति शास्त्री थे, और इन्होंने कैंडोल के वर्गीकरण का अनुसरण किया, और कैंडोल ने अपना वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, तो 1874 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है ना,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि कॉपेन का जो वर्गीकरण है ये कैंडोल के वर्गीकरण पर आधारित था, और कैंडोल का जो वर्गीकरण था वह वानस्पतिक था। मैंने देखो तीन चार बार एक ही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे कि आपको ये याद हो जाए। और कैंडोल ने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो वानस्पतिक वर्गीकरण था, ना कि जलवायु वर्गीकरण था, ठीक है, कि वानस्पतिक वर्गीकरण था। और ये किसका था बताओ? कैंडोल का। उस वानस्पतिक वर्गीकरण का अनुसरण किसने किया था बताओ? कॉपेन ने किया था। किसने किया बताओ? कॉपेन ने किया था। दूसरा आप ये भी ध्यान में रखना कि व्लादिमीर कॉपेन जो है, कौन है मित्रों? व्लादिमीर कॉपेन, जिन्होंने कैंडोल के वर्गीकरण को फॉलो किया, और कब किया उन्होंने, कब प्रस्तुत किया? 1874 में। तो कॉपेन ने खुद का वर्गीकरण 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कल को पूछ ले आपसे भाई, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं ना, बताओ कॉपेन ने अपना वर्गीकरण कब दिया? 1874, 1900 ईस्वी, 1931, 1948, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सीधा दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठा लेना मित्रों कि कॉपेन ने अपना वर्गीकरण जो है वो कब प्रस्तुत किया? 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया। दूसरा ये है कि जब इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो फॉलो दूसरों को किया, तो इसमें कमियां रह गई। कमियां रही तो इन्होंने इसमें क्या किया? संशोधन किया। और इनके समय में पहला जो संशोधन है 1918 में हुआ, ठीक है। बताओ पहला संशोधन कब हुआ? तो इस वर्गीकरण में पहला संशोधन 1900 ईस्वी में किया गया, सॉरी 1918 में किया गया। पहला संशोधन कब किया गया? तो ये आप ध्यान में रखें कि इसमें पहला संशोधन 1918 ईस्वी में किया गया। ठीक है, क्या इसमें पहला जो संशोधन है वो कब किया गया? 1918 ईस्वी। एक तो ये ध्यान में रखें, दूसरा आप ये भी ध्यान में रखें कि पहला संशोधन 1918 में किया गया, तो दूसरा संशोधन 1931 में किया, खुद कॉपेन ने किया, 18 वाला भी कॉपेन ने किया, और दूसरा संशोधन भी किसने किया? कॉपेन ने किया 1931 में। तीसरा जो संशोधन है, ठीक है, वो तीसरा संशोधन 1936 में प्रस्तुत किया गया। तीसरा संशोधन 1936 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो देखो पहला संशोधन, ठीक है राम प्रताप जी, 1918 में किया गया, और प्रभुराम जी आप भी सुनते हैं, दूसरा संशोधन 1931 में किया गया, और तीसरा संशोधन कब किया गया? 1936 में। ये तीन बड़े संशोधन किए, जबकि इसने वर्गीकरण कब दिया बताओ? 1900 ईस्वी में दिया प्रॉपरली, कैंडोल को फॉलो करके। कैंडोल के वानस्पतिक वर्गीकरण को इन्होंने जलवायु वर्गीकरण बना दिया। दूसरा ये है मित्रों, ये भी ध्यान में रखना कि ये तीन संशोधन तो तब हुए, फिर इनकी डेथ हो जाती है कॉपेन साहब की, ठीक है। कॉपेन साहब के गुजरने के बाद में, या कॉपेन के गुजरने के बाद में 1953 ईस्वी में, ठीक है, ग्रिगर पाल ने कॉपेन के वर्गीकरण में ठीक है संशोधन किया। कॉपेन के वर्गीकरण में क्या किया? संशोधन किया। और ये कब किया? 1953 ईस्वी। इसीलिए इस वर्गीकरण को कॉपेन ग्रिगर पाल का वर्गीकरण भी कहा जाता है, कॉपेन ग्रिगर पाल का वर्गीकरण भी कहा जाता है, ग्रिगर पाल का वर्गीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना, कैसे कॉपेन ग्रिगर पाल का क्या कहते हैं? वर्गीकरण का वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसी वर्गीकरण को कॉपेन ग्रिगर पाल का तो कहते ही हैं, और ग्रिगर पाल पोही का वर्गीकरण भी कहते हैं, ग्रिगर पाल पोही का वर्गीकरण भी कहते हैं। किसका वर्गीकरण कहते हैं? तो ग्रिगर पाल पोही का वर्गीकरण भी कहते हैं। किसके वर्गीकरण को कहते हैं? कॉपेन के वर्गीकरण को, ठीक है, कि ग्रिगरपाल पोही का क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। दूसरा आप ये भी ध्यान में रखना मित्रों कि कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में
कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, कि अपने वर्गीकरण में कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो ये ध्यान में रखें, इन्होंने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा का क्या किया, प्रयोग किया। और ये किसने किया था पता है आपको? ये किया था कॉपेन ने किया था। सांकेतिक भाषा में इन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षर उपयोग में लिए। ही यूज द कैपिटल लेटर, ही यूज द स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, क्या इन्होंने अपने वर्गीकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे शब्द उपयोग में लिए। किसने? कॉपेन ने। तो लिखो कि नेक्स्ट में आपको नोट करना है कि कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे शब्द, छोटे अक्षर उपयोग में लिए। किसने लिए बताओ? कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में, कि इन्होंने अपने वर्गीकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षर उपयोग में लिए थे। और कॉपेन बड़ा बहुत चर्चित आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था भैया, ठीक है ना? कौन था बताओ? कॉपेन था। ओके, तो 1953 ईस्वी में ग्रिगरपाल ने कॉपेन के वर्गीकरण में क्या किया, संशोधन किया। कॉपेन ग्रिगरपाल का वर्गीकरण जो कहा जाता है, फिर बाद में कहा जाने लगे कॉपेन के वर्गीकरण कॉपेन ग्रिगरपाल, इसे ग्रिगरपाल पोहिका भी कहा गया। ठीक है, नर्वस नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके पूछी जाती हैं। दूसरा, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा उपयोग में ली। कौन सी भाषा उपयोग में ली बताओ? सांकेतिक भाषा उपयोग में ली। ठीक है, कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षर उपयोग में लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने अपने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षर उपयोग में लिए। ठीक है, अब देखो कैंडोल ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया ना, वानस्पतिक वर्गीकरण, तो वो क्या क्या था पहले तो मैं वो बता दूं, क्योंकि वो समझ में आ गया ना तो ये मान लो कॉपेन समझ में आ गया। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने फॉलो भी उसी को किया। और ये भी ध्यान में रखना, हाँ ये चीज़ बड़ी ध्यान में रखना है कि कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में सर्वप्रथम किसको आधार माना, तो कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में वनस्पति को आधार माना, क्योंकि खुद वनस्पति शास्त्री था यारो, क्या था, वनस्पति शास्त्री था, इसलिए उसने अपने वर्गीकरण में वनस्पति को आधार माना। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में वनस्पति को आधार माना। किसको आधार माना? वनस्पति को आधार माना। ये चीज आप ध्यान में रखना कि इन्होंने अपने वर्गीकरण में वनस्पति को क्या माना, आधार माना। किसने माना बताओ? कॉपेन ने माना भैया, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि कैंडोल ने 5 जो आपके वनस्पति वर्गीकरण किए, वही वर्गीकरण किसके थे? कॉपेन के थे। ठीक है, और इन्होंने वनस्पति को 5 भागों में बांटा। तो सबसे पहले तो मैं वो ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ वो चीज़ समझ में आ जाती है ना, तो आधा कॉपेन तो वैसे ही समझ में आ जाता है, अब ये ऐसे होता है। ठीक है, तो कॉपेन ने कैंडोल के आधार पर वनस्पति को पांच भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा बताओ? तो इन्होंने वनस्पति को 5 भागों में बांटा। एक तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि कितने भागों में बांटा बताओ? 5 भागों में बांटा। अब जिन जिन में बांटा वो निम्न है, जो कि निम्न है,
ठीक है। अब देखो जिन पांच भागों में बांटा उनमें एक तो है मेगा थर्मल, मेगा थर्मल, दूसरी है जेरोफाइटिक, जेरोफाइटिक, ठीक है, तीसरी है मेसोथर्मल, चौथी है माइक्रोथर्मल, और पांचवा जो प्रकार है वह है हेकिस्टोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल। इस तरह से इस वनस्पति को कितने भागों में बांटा, पांच। एक को कहा मेगाथर्मल, दूसरे को कहा जेरोफाइटिक, तीसरे को इन्होंने क्या कहा मेसोथर्मल, चौथे को क्या कहा माइक्रोथर्मल, और पांचवे को क्या कहा हेकिस्टोथर्मल। तो बताओ कितने भागों में बांटा, पांच भागों में बांटा। ये ध्यान में रखना, बताओ एक बार मेरे साथ फिर से बोलिएगा आपने कि एक वनस्पति को क्या कहा मेगाथर्मल, दूसरी को क्या कहा जेरोफाइटिक, तीसरी को क्या कहा मेसोथर्मल, चौथी को क्या कहा माइक्रोथर्मल, और पांचवी को क्या कहा हेकिस्टोथर्मल का। क्लियर? ओके। दूसरा आप ये भी ध्यान में रखना कि मेगाथर्मल की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेगाथर्मल, ठीक है। अब देखो ये वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है, यह वनस्पति, वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है, उन क्षेत्रों में मिलती है जहां, ठीक है, मिलती है जहां संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा की अधिकता होती है, ठीक है। कि यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहां संवहनीय वर्षा की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। और क्या मिलती है इस वनस्पति में, तो इसमें मिलती है मेगाथर्मल। एक तो ये ध्यान में रखना है कि यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहां संवहनीय वर्षा की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। संवहनीय जानते हो कि आज प्रतिदिन बादल बने और प्रतिदिन क्या हुई, वर्षा हुई। आप देखो भारत का तट है, बोलो है कि नहीं है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, रोज बादल बनते हैं उधर, और बादल बनते हैं तो शाम को आते आते क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलती है उस वनस्पति को हम क्या कहते हैं, मेगाथर्मल कहते हैं। ये सदाबहार वनस्पति है, और ऐसी वनस्पति पता है कहाँ मिलती है भाइयों, ऐसी वनस्पति मिलती है भूमध्य रेखा के आसपास। ये पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा जीरो डिग्री के आसपास, इस भूमध्य रेखा के आसपास आप जानते हैं वर्षा की अधिकता होती है, तो वर्षा की अधिकता होती है तो यहाँ संवहनीय वर्षा होती है, तो इसके आसपास जो है वो मेगाथर्मल वनस्पति मिलती है। कौन सी वनस्पति मिलती है, मेगाथर्मल। ये आपको ध्यान में रखना है कि भूमध्य रेखा के आसपास इस तरह की क्या मिलती है, वनस्पति मिलती है। तो ये पूछा जाता है कि ये वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ संवहनीय वर्षा की अधिकता होती है। संवहनीय वर्षा मतलब कि जहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है वहाँ मिलने वाली वनस्पति कौन सी होती है, मेगाथर्मल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी वनस्पति होती है बताओ, मेगाथर्मल होती है, और इसमें सदाबहार वनस्पति मिलती है, ठीक है। बताओ कौन सी वनस्पति मिलती है, सदाबहार वनस्पति मिलती है। और यहाँ ये भी ध्यान में रखना कि सबसे ठंडे महीने का तापमान, ठीक है, सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो आपके 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मेगाथर्मल वनस्पति है तो यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान, सबसे ठंडे महीने का तापमान, महीने का तापमान, तापमान औसतन, औसतन, ठीक है, यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान औसतन 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 18 डिग्री क्या रहता है, सेंटीग्रेड रहता है। एक तो ये ध्यान में रखना। अब वर्षा की अधिकता है तो ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ वर्षा का औसत 6 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यहाँ प्रति माह, ठीक है, वर्षा का औसत, वर्षा का औसत पुस्तक में लिखेंगे प्रति माह, प्रति माह 6 सेंटीमीटर से अधिक होता है, 6 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है,
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ वर्षा का औसत प्रति माह 6 सेंटीमीटर से अधिक होता है, तापमान औसतन 18 डिग्री क्या रहता है सेंटीग्रेड रहता है, और यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ सम्मेनी वर्षा की क्या होती है अधिकता होती है, ठीक है, और भूमध्य रेखा के आसपास आपकी क्या होती है अधिक वर्षा होती है, ठीक है। इनको हम वर्षा रेखीय वन भी कहते हैं, ठीक है। मेगा थर्मल को हम क्या कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखें कि मेगा थर्मल वनस्पति को वर्षा रेखीय वन भी कहते हैं, वर्षा रेखीय वन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्षा रेखीय वन कहते हैं। ये ध्यान में रखना कि मेगा थर्मल जो वनस्पति है ना उसको हम वर्षा रेखीय वन भी कहते हैं, या वर्षा का औसत 6 सेंटीमीटर से अधिक होता है, और यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान औसतन 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और इस वनस्पति को हम मेगा थर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, तो ये ध्यान में रखें कि इस वनस्पति को मेगा थर्मल कहते हैं, ओके। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके वनस्पति आती है वो आती है जेरोफाइटिक। कौन सी वनस्पति आती है, तो मैं तो ध्यान में रखें वो दूसरी जो वनस्पति है आपके वो है जेरोफाइटिक है, ओके। अब देखो जेरोफाइटिक की हम बात करें, किसकी बात करें, जेरोफाइटिक, तो यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है, यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है, उन क्षेत्रों में मिलती है जहां वर्षा का औसत, ठीक है रामप्रताप, कि जहां वर्षा का औसत बहुत कम होता है, कि औसत कम होता है, ऐसे क्षेत्रों में आपके कौन सी वनस्पति मिलती है, जेरोफाइटिक मिलती है। और भैया कौन सी मिलती है बताओ, तो ऐसे क्षेत्रों में जो वनस्पति मिलती है वो जेरोफाइटिक मिलती है। हाँ तो मित्रों मैं आपसे ये कह रहा था कि जेरोफाइटिक यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्षा का औसत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ मिलने वाली वनस्पति को ठीक है, ध्यान में रखना, मिलने वाली वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है। वनस्पति को क्या कहा जाता है, मरुद्भिद कहा जाता है, कि यहाँ मिलने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, मरुद्भिद कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ वर्षा का औसत कम होता है, यहाँ मिलने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, और यह शुष्क कटीली वनस्पति होती है, ठीक है, यह शुष्क कटीली वनस्पति होती है, कटीली वनस्पति होती है, ठीक है ना। कैसी वनस्पति है, शुष्क कटीली वनस्पति। अब देखो ये जो वनस्पति है ना, इनकी जड़ें लंबी और गहरी होती है, जड़ें लंबी एवं गहरी होती है, ठीक है। तने कांटेदार होते हैं, जड़ें लंबी एवं गहरी होती हैं, तने कांटेदार होते हैं, तने कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं, ठीक है। और पत्तियां स्टार्च युक्त होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, स्टार्च युक्त होती हैं। तो यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जब वर्षा का औसत एक तो कम होता है, या मिलने वाली वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है, यहाँ शुष्क कटीली वनस्पति होती है, जड़ें लंबी एवं गहरी होती हैं, तने कांटेदार होते हैं, और पत्तियाँ कैसी होती हैं, स्टार्च युक्त होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये पूछी जाती है, बेसिक चीज़ें जो आपसे क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं, ओके। दूसरा आपको मैं ये कह रहा था, ये तो वो जेरोफाइटिक, जेरोफाइट तो आप सब पहचान जाएंगे, इसको जीरोफाइट्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना कि जेरोफाइटिक इस वनस्पति को, है ना, मैं इधर यूँ रेखा खींच देता हूँ, इस वनस्पति को जीरोफाइट भी कहते हैं, जीरो
फाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, कि इस वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखें, इस वनस्पति को जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। ओके, दूसरा ये तो हुआ आपके जेरोफाइटिक हुआ। इसके बाद में आपके जो वनस्पति मिलती है उसको हम मेसोथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मित्रों ध्यान में रखें, नंबर थर्ड पे जो वनस्पति मिलती है उसको हम मेसोथर्मल कहते हैं, ठीक है। और मेसोथर्मल जो वनस्पति है इसमें आपको ध्यान में रखना है, यह उन क्षेत्रों में मिलती है, यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहां सबसे ठंडे महीने का तापमान, सबसे ठंडे महीने का तापमान, ठीक है, कि यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहां सबसे ठंडे महीने का तापमान, ठीक है, माइनस तीन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, ठीक है, कि जहां गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो आपके -3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उन क्षेत्रों में आपके जो वनस्पति मिलती है उसे हम मेसोथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोथर्मल। मित्रों ये भी ध्यान में रखना कि मेसोथर्मल जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? मेसोथर्मल जो वनस्पतिक प्रदेश है वहां पर आपके जो वनस्पति मिलती है उसमें आपके शंक्वाकार वन मिलते हैं। कैसे वन मिलते हैं? शंक्वाकार। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इस वनस्पति क्षेत्र में शंक्वाकार वन मिलते हैं, शंक्वाकार वन मिलते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पूछ लिया जाता है कि बताइएगा शंक्वाकार वन कहाँ मिलते हैं, तो मेसोथर्मल में मिलते हैं और यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे गर्म महीने का औसत तापमान कितना होता है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिल्कुल क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा आप ये भी ध्यान में रखना है, ये तो हुआ मेसोथर्मल। मेसोथर्मल के बाद में आपके आता है माइक्रोथर्मल आता है। क्या आता है? माइक्रोथर्मल आता है, ठीक है। अब माइक्रोथर्मल की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोथर्मल जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? माइक्रोथर्मल, ठीक है। तो माइक्रोथर्मल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर देखो ना तो अधिक वर्षा होती है ना कम रहती है वर्षा, और कॉपेन महोदय ने तो ये बताया कि इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया, ठीक है, और यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोथर्मल के यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है। देखो ये कॉपेन के वनस्पतिक वर्गीकरण में यारो ध्यान में रखना, यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहां सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तापमान कितने तक होता है? तो ध्यान में रखें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ऐसे क्षेत्रों में आपके माइक्रोथर्मल वनस्पति मिलती है। कौन सी वनस्पति मिलती है? माइक्रोथर्मल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पूछ लिया जाता है, बताओ माइक्रोथर्मल वनस्पति कहाँ मिलती है, ऐसा आता रहता है क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं। ओके, तो कौन सी वनस्पति मिलती है? माइक्रोथर्मल, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत जो तापमान है वो आपके कितना होता है मित्रों? 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। चलो पानी पी लेते हैं अपन लोग भी, है ना। दूसरा ये है
कि माइक्रोथर्मल जहाँ ये वनस्पति मिलती है, ठीक है, कौन सी वनस्पति, देखो मैंने पहले बताया मेगाथर्मल, फिर बताया मैंने कौन सी जेरोफाइटिक, आप रिटेक करके भी देख लेना कहीं पीछे रह जाओ तो, फिर मैंने बताया आपको मेसोथर्मल और फिर आपके माइक्रोथर्मल, ठीक है। मैं तो मैंने आपको ये बताया कि माइक्रोथर्मल जो वनस्पति है, ठीक है, यहाँ पर आपके स्टेपीज वनस्पति मिलती है, कौन सी वनस्पति मिलती है, स्टेपीज, ये नोट कर लेना कि माइक्रोथर्मल वनस्पति के अंतर्गत, माइक्रो थर्मल वनस्पति के अंतर्गत, थर्मल वनस्पति के अंतर्गत अंतर्गत, ठीक है ना, स्टेपीज वनस्पति आती है, स्टेपीज वनस्पति आती है, कौन सी वनस्पति आती है, तो ये आप ध्यान में रखें कि माइक्रोथर्मल वनस्पति के अंतर्गत आपके स्टेपीज वनस्पति आती है, ओके, ये चीज़ ध्यान में रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई आपको, ठीक है। तो देखो आप मेगाथर्मल बताई, वर्षारेखीय वन मिलते हैं, मेसोथर्मल आपको बताई, ठीक है, तो जेरोफाइटिक बताई, वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है, मेसोथर्मल मैंने आपको बताई, तो ध्यान में रखते हैं कि मेसोथर्मल कहाँ मिलती है, बताओ फटाफट बताइए आप यार, कहाँ मिलती है मेसोथर्मल, तो मेसोथर्मल जो है उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और शंक्वाकार वहाँ पे क्या मिलते हैं, वन मिलते हैं, कौन से वन मिलते हैं, शंक्वाकार। फिर इसके बाद में आपके जो वनस्पति आती है, सबसे अंत में जो वनस्पति आती है वो हेकिस्टोथर्मल आती है, कौन सी आती है, हेकिस्टोथर्मल। मित्रों ये ध्यान में रखना कि हेकिस्टोथर्मल जो वनस्पति है, हेकिस्टोथर्मल, ठीक है, यह वनस्पति वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है, यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है, उन क्षेत्रों में मिलती है जहां, ठीक है, यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहां, ठीक है, तापमान सदैव, जहां तापमान सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है, ठीक है, कि जहां तापमान सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या मिलता है, कम मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मित्रों क्या मिलता है, कम मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में आपके जो वनस्पति मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, हेकिस्टोथर्मल कहते हैं। दूसरा ये ध्यान में रखना कि मित्रों ये जो हेकिस्टोथर्मल है, कौन सी वनस्पति है, हेकिस्टोथर्मल, है ना, इसको लेकर बड़े प्रश्न आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ तापमान सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है, अर्थात इस वनस्पति को ध्रुवीय वनस्पति भी कहते हैं, ठीक है, कि इस वनस्पति को, इस वनस्पति को पति को ध्रुवीय वनस्पति भी कहते हैं, ध्रुवीय वनस्पति भी कहते हैं, और एक किस वनस्पति को कहा जाता है, तो हेकिस्टोथर्मल को कहा जाता है, ओके। तो पांचों हो गई ना, एक तो मेगाथर्मल हुई, एक जेरोफाइटिक हुई, एक मेसोथर्मल हुई, एक माइक्रोथर्मल स्टेपीज वनस्पति, है ना, मैसो में आपके टुंड्रा वन मतलब कि शंक्वाकार वन हो गए, और एक आपके क्या हो गए, हेकिस्टोथर्मल, और इसे ध्रुवीय वनस्पति भी कहते हैं, कौन सी वनस्पति कहते हैं, तो मित्रों ध्यान में रखें कि इस वनस्पति को ध्रुवीय भी कहते हैं, ओके। दूसरा आप ये ध्यान में रखें, हमारे कॉपेन महोदय ने, किस महोदय ने, कॉपेन महोदय ने सांकेतिक भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, सांकेतिक भाषा के आधार पर आपके अलग अलग जो हैं वो सिंबल्स दिए, जैसे दिया ए, ठीक है, फिर दिया बी, फिर दिया सी, फिर दिया डी, फिर दिया ई, ऐसे 5 सांकेतिक शब्द उपयोग में लिए, कैपिटल लेटर्स उपयोग में लिए, ये सब कैपिटल लेटर्स हैं, और ये जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं इनको लेकर आपके बहुत सारे क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि ए बराबर आपके तर या आर्द्र प्रदेश होता है, तर या कैसा प्रदेश होता है, आर्द्र प्रदेश होता है, ठीक है, और यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान, यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान, ठंडे महीने का तापमान
18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है कि सबसे ठंडे महीने का तापमान कितना होता है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये तर्द प्रदेश होता है, आर्द्र होता है। दूसरा आप ये भी ध्यान में रखना कि ये जो प्रदेश है ए वाला, इसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्या कहा जाता है, आर्द्र प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये तर या आर्द्र होता है, यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बताओ, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना होता है बताओ, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आपके होता है बी प्रदेश, है ना। बी को हम शुष्क कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, शुष्क कहते हैं। और ये वो क्षेत्र होता है जहां, ठीक है, वर्षा का औसत कम होता है, औसत कम होता है। ठीक है, वर्षा का औसत जो है वो है क्या होता है, कम होता है। ऐसे प्रदेश को वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वी कहा जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ध्यान में रखें कि इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश भी कहते हैं, शुष्क प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिर होता है सी प्रदेश, ठीक है, जहां न कम तापमान होता है कि जहां न तो अधिक तापमान होता है न कम तापमान होता है, वो आपके सी प्रदेश होता है। कौन सा प्रदेश होता है, सी। तो एक तो हो गया ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, तरिया आर्द्र प्रदेश कहते हैं, यहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बी बराबर हो गया शुष्क या उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश, जहाँ वर्षा का औसत कम होता है। सी बराबर है जहाँ न अधिक तापमान न कम तापमान होता है, अर्थात ये एक तरीके से उष्णकटिबंधीय उपाद्र प्रदेश हो गया। उष्णकटिबंधीय कौन सा प्रदेश हो गया, उपाद्र हो गया। ये कॉपेन के अनुसार है मित्रों, ये ध्यान में रखना, इन शब्दों के अर्थ होते हैं। ए बी सी डी ई, जो जितने भी शब्द उसने दिए हैं, चाहे कोपेन ने दिए हैं, चाहे थॉर्नवेट ने दिए हैं, इन सब के कोई ना कोई अर्थ होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और ये जो सी प्रदेश है मित्रों, इसको आपके क्या कहा, उष्णकटिबंधीय उपाद्र प्रदेश कहा, उपाद्र प्रदेश इसे कहा गया, प्रदेश कहा गया। ठीक है, दूसरा आप ये भी ध्यान में रखें, फिर इन्होंने कहा डी प्रदेश। डी प्रदेश जो है ये आपके समशीतोष्ण कहलाते हैं। डी प्रदेश कैसे होते हैं, समशीतोष्ण होते हैं, एक तो ये ध्यान में रखें। और यहाँ कभी कभार बर्फबारी होती है, यहाँ कभी कभार बर्फबारी होती है, कभी कभार क्या होती है, बर्फबारी होती है। उस प्रदेश को डी कहा, ठीक है, किसने कहा, कोपेन ने कहा। और फिर है आपके ई प्रदेश, और ई प्रदेश जो है इसको इन्होंने ध्रुवीय कहा, जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है, जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है। ठीक है, उसको इन्होंने क्या कहा, ई प्रदेश कहा। ठीक है, कौन सा प्रदेश कहा, ई प्रदेश कहा। अब देखो, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं भाई, क्या क्या अपन ने बताया, क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो मैंने देखो सबसे पहले कहा कि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, एक तो होता है आनुभाविक, जो अनुभव के आधार पर या अपने अध्ययन के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं वो आनुभाविक होता है। फिर हम इसका अनुभव के आधार पर जब सारांश निकाल कर अध्ययन करते हैं वो जननिक होता है। कैसा होता है, जननिक होता है। फिर मैंने आपको बताया सांख्यिकी, बताया कि जब जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण उपग्रह आंकड़े साइंटिफिक तरीके से हम निकालें और उसके आधार पर वर्गीकरण करें तो उसे सांख्यिकी कहा। और कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण आनुभाविक भी था और जननिक भी था, ये आपको ध्यान में रखना है।
वहीं ट्रिवार्था का जो वर्गीकरण था वो तीनों पर आधारित था, और इन तीनों के वर्गीकरण में सबसे शुद्ध वर्गीकरण कॉपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवार्था में सबसे शुद्ध वर्गीकरण ट्रिवार्था का माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर कॉपेन जो है जर्मनी का ही रहने वाला था, मतलब वही रहा, इसकी नागरिकता वही थी, जन्म वगैरह कहाँ हुए, कहाँ मृत्यु हुई, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन मूल ये वनस्पति शास्त्री था। इसने कैंडोल को फॉलो किया, कैंडोल ने अपना वर्गीकरण 1874 में दिया, कब दिया 1874 में दिया, और इस वर्गीकरण को ही आधार मान के, वनस्पति वर्गीकरण था वो, उनका जलवायु नहीं था, जलवायु वर्गीकरण तो फिर कॉपेन ने प्रस्तुत किया, कॉपेन भी वनस्पति शास्त्री था, और इन्होंने अपना वर्गीकरण 1900 में दे दिया। इसमें संशोधन हुए 18, 31 और 36, फिर लास्ट में ग्रिगर पाल ने 1953 में इसमें संशोधन किया। इसे कॉपेन ग्रिगर पाल का वर्गीकरण या ग्रिगर पाल पोही का वर्गीकरण कहा गया, और ये भी ध्यान में रखना कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े और छोटे अक्षर के लिए उपयोग में लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉपेन ने अपने वर्गीकरण में वनस्पति को क्या माना, आधार माना। कॉपेन ने कैंडोल के आधार पर वनस्पति को 5 भागों में बांटा, मेगाथर्मल, जेरोफाइटिक, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हैकेसोथर्मल, और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया था। मेगाथर्मल कहा कि जो वर्षा रेखे वन मिलते हैं जहां वर्षा का औसत अधिक होता है उसको इसने क्या कहा, मेगाथर्मल कहा। ठीक है, वहीं जेरोफाइटिक ये वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहां पर, ठीक है, आपके शुष्क कटीले वन मिलते हैं, जड़ें लंबी और गहरी होती हैं, कांटेदार होती हैं, पत्तियां स्टार्च युक्त होती हैं, और इस वनस्पति को जेरोफाइट्स का भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है मेसोथर्मल, यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहां सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 होता है और गर्म महीने का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वनस्पति में शंक्वाकार वन मिलते हैं। फिर है माइक्रोथर्मल, ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ सबसे ठंडे महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में माइक्रोथर्मल वनस्पति के अंतर्गत स्टेपीज वनस्पति आती है। कौन सी आती है, स्टेपीज आती है। फिर हैकेस्टोथर्मल, ये वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहाँ तापमान सदैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलता है, और इस वनस्पति को ध्रुवीय वनस्पति कहा जाता है। अब उन्होंने कैपिटल लेटर्स जो उपयोग में लिए, ए को कहा उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ये रट लेना, बी को कहा उष्णकटिबंधीय शुष्क, सी को कहा उष्णकटिबंधीय उपाद्र, डी को कहा समशीतोष्ण, और ई को क्या कहा, ध्रुवीय कहा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कॉपेन के संदर्भ में, जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के संदर्भ में जो मैंने आपको बताई हैं, और बाकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।